तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? तुझे मैं काम वाली दिखाई दे रही हूँ? नहीं नहीं, महारानी एलिजाबेथ दिख रही हो, काम वाली हो। अच्छा तुझे ये लग रहा है कि तू सच सवर के तो तू काम वाली नहीं है। हाँ बोला ना मैंने, चल काम करने के लिए, चल चुपचाप। तू पागल है क्या? देख मेरे से पंगा लेना ना, भारी पड़ जाएगा तुझे। अच्छा तू है कौन, कहीं की तोप है जो तेरे से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा? सुनाई नहीं दिया, मेरे घर में आज काम वाली नहीं आई। चुपचाप चल झाड़ू पोछा कर ले, बर्तन धो ले। अच्छा तू इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तुझे लग रहा है मैं पैसे नहीं दूंगी। सुन तुझे दिन के ना मैं 1000 रुपया दे दूंगी, बस इतना ही काम है। डस्टिंग है, झाड़ू पोछा है, बर्तन धोना है, साफ सफाई करने हैं, और हाँ मेरे कपड़े भी प्रेस करने हैं, और जो मेरे घर में डॉगी है ना उसको पोटी भी करवाना है। इतना काम तो तू कर लेगी ना? तुझे ना मेरे बारे में पता होता ना तो ऐसी बातें कभी नहीं करती, समझी? और निकल जाए यहाँ से, वही तेरे लिए फायदा। चुप, मुझे ना सुनना है ना जानना है, चुपचाप चल मेरे घर और चल के काम कर दे, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस में जाना है। अच्छा तुझे पता मैं कौन हूँ? यहाँ की IAS हूँ। अच्छा ये तो और अच्छी बात है। ऐसा कर मेरे पास एक आइडिया है, दिन में तू अपनी IAS का काम कर ले, रात में मेरे घर झाड़ू पोछा का काम कर ले, ठीक है? चल दिन में मैं एडजस्ट कर लूंगी, कोई बात नहीं। सुन शाम के 7 बजे ना हमारे घर आ जाइयो, तेरे को पूरे पैसा दूंगी, 1000 रुपया ही दूंगी, 1 रुपया भी कट नहीं करूंगी। कितनी बदतमीज है, ये जानने के बाद भी कि मैं IAS हूँ डरने की वजह मुझसे पंगा ले रही है, फालतू में उलझ रही है। देख तू जैसे IAS PCS है ना, मैं नहीं डरती, ठीक है? जितना मैंने बोला ना उतना समझ ले, तेरे को आज से हमारे घर पे काम करने आना है, मतलब आना है। और ये जो हाथ उठा रही है ना, ये हाथ ना मैं कुत्तों को खिला दूंगी, इसलिए हाथ उठाना बंद कर दे। समझ में आई मेरी बात? चल चुपचाप मेरे साथ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी तो क्या, तेरी तो क्या क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी? बहुत ज्यादा रोब है ना तेरे को अपनी IAS का, मैं बताती हूँ। चुपचाप चल मेरे घर, चल अभी। हो तेरे को एक बार भी समझ नहीं आ रहा है, तू ना फालतू में पंगे लिए जा रही है। तेरा वो हल करवाऊंगी ना, तू पहचानने लायक नहीं रहेगी। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, पुलिस वाले आएंगे तुझे जेल में डालेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा। बुला लो, मैं डरती नहीं हूँ किसी भी पुलिस वाले से, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो डरने की जरूरत नहीं है, और डरना तो तुम्हें चाहिए, मैं या फिर क्यों डरूं? बुला लो पुलिस वाले को, पुलिस वाले मुझे नहीं तुम्हें अरेस्ट करेंगे। मुझे क्यों लेके जाएंगे, वो मेरे लोग हैं, वो तुझे लेके जाएंगे मेरे बोलने से, समझी? अच्छा लगता है मैडम की याददाश्त कमजोर हो गई है, मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगी। मेरे पास ना एक वीडियोस का क्लिप है, थोड़ा ध्यान से देखना मैडम। मैडम जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो तुझे क्या लगता है, रिश्वत लेने के लिए मैं तुझे अपने ऑफिस बुलाऊंगी? और हाँ पैसे लेके आइए, जो मैंने बोला जी। मुझे मेरे पास पैसे ही कहाँ है, कहाँ से आपको पैसे देंगे? तो मैं IAS इसलिए नहीं बनी हूँ कि तुम जैसे लोगों का काम फ्री में करूंगी। मैंने भी ना IAS बनने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, तब IAS बनी हूँ। और हाँ इसीलिए मैंने पैसे खर्च किए हैं ताकि तुम जैसे लोगों से पैसे वसूल सकूं। मैडम जी आप मेरा जॉइनिंग लेटर दे दीजिए ना, आपको तो पता है ना कितनी गरीब हूँ, कहाँ से आपको पैसे दूंगी इतने सारे। मुझसे जुबान लड़ाएगी? और हाँ ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू मुझे पैसे लाके नहीं देगी, और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। तेरे जैसों के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। पता है कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई थी, मुझे लगा था पैसे ले आएगी, मैं तेरा ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगी, लेकिन अब नहीं मिलेगा। तू क्या, तेरा बाप भी आ जाएगा ना तब भी नहीं दूंगी, निकल यहाँ से। क्या हुआ, चेहरे पे इतने पसीना क्यों आ गया? सब ठीक तो है मैडम? ये वीडियो तेरे पास कहाँ से आई? जिसके साथ तुमने अत्याचार किया ना वो मेरी बहन है, और उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन उसका बदला ना मैं लूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और चाहती ना तो वो भी तुमसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुम्हारे पद का ना उसने लिहाज किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज डिप्रेशन में है। देख वीडियो डिलीट कर। ये वीडियो अब डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मेरी बहन भी ना अब मोटिवेट हो चुकी है, काफी टाइम लगा मुझे उसे मोटिवेट करने में, उसने ये वीडियो मीडिया वाले को दे चुकी है, और अब तक तो ये सारे वीडियोस ना मीडिया वाले दिखा भी चुके होंगे। इससे मेरी नौकरी चली जाएगी? तुम्हारी नौकरी जाती है तो जाए, जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में चला गया, कोमा में चला गया, मैंने उसकी कैसे जिंदगी बचाएगी ना, ये बात सिर्फ मुझे पता है। कितना टाइम लगा है उसको ठीक करने में, तुझे क्या लगता है सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिलती है? तुम जैसे करप्ट अफसर की वजह से ना जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको भी जॉब नहीं मिल पाता, तो इसकी भरपाई तो तुम्हें करना होगा।
और हाँ वेट करो, जिस आईएस पद का घमंड है ना तुम्हें, वही पुलिस वाले हथकड़ी पहना के तुम्हें जेल लेके जाएंगे। वेट एंड वॉच।